हेलो, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि अगर आपने इग्नू में एग्ज़ाम दे रखा है और किसी कारणवश अगर आप फेल हो जाते हैं, आपकी बैक आ जाती है, आपके नंबर फेल हो गए हैं, तो आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जैसे आप सबको पता होगा कि इग्नू का जो एग्ज़ाम है वो 22 जुलाई से लेकर के 5 सितंबर तक चला है, और उसके आप देख रहे होंगे रिजल्ट की अपडेट भी आ रही है। और रिजल्ट की अपडेट में आप देख रहे हैं रिजल्ट बहुत सारे स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दे रखा है और उनके क्या रहे हैं कि वो बहुत सारे सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं। तो इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि अगर कोई स्टूडेंट इग्नू एग्ज़ाम में फेल हो जाता है तो उसको क्या करना चाहिए, उसको फॉर्म कैसे भरना पड़ेगा, उसके लिए कैसे अप्लाई करना पड़ेगा। और जो भी स्टूडेंट अभी जो जून 2022 का एग्ज़ाम हुआ था 22 जुलाई से लेकर के 5 सितंबर तक, तो स्टूडेंट उनको क्या करना चाहिए, उनको कब फॉर्म भरना होगा, कब एग्ज़ाम दे पाएंगे, क्या वो बिना एग्ज़ाम दिए भी पास हो सकते हैं, क्या ऐसा कोई क्राइटेरिया है कि अगर आप एग्ज़ाम में फेल हो गए हैं तब भी आप पास हो सकते हैं, क्या ऐसा कुछ हो सकता है। तो इस वीडियो में हम इसी बारे में चर्चा करेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो जैसे आप सबको पता होगा कि अभी जो है 22 सितंबर 2022 तक रिजल्ट अपडेट हो रहा है, और रिजल्ट की जो अपडेट है वो नवंबर दिसंबर के महीने तक आती रहेगी, और आपकी रिजल्ट नवंबर लास्ट तक या ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के जो रिजल्ट होंगे वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। जैसे आपको पता होगा कि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो अपना एग्जाम दे रहे हैं, उनके क्या है बैक आ जा रही, वो फेल हो जा रहे हैं। तो कैसे, जैसे दिखा देता हूँ रिजल्ट, आप देख सकते हैं, देख लीजिए क्या इन्होंने 100 मार्क्स का एग्जाम दिया है, इनके कितने नंबर आए हैं, 17 नंबर आए हैं। तो देख सकते हैं इनकी भी क्या आ गई है, बैक आ गई, ये भी फेल हो गए, ये भी क्या है एक सब्जेक्ट में इनकी बैक बनी हुई है। तो इनको क्या करना चाहिए, ठीक है। तो जैसे इनकी बैक आ गई है, स्टूडेंट है इनका भी देखिएगा, इन्होंने 100 नंबर का पेपर दिया है बट इनके 18 नंबर आए हैं, ये भी क्या इनकी भी बैक आएगी, ये भी फेल हो गए हैं। तो इन सबको क्या करना चाहिए उसी बारे में देखेंगे, ठीक है। स्टूडेंट का देखिएगा, इन्होंने 50 नंबर में पेपर दिया, इनके 12 नंबर आए हैं, ये भी इनकी भी बैक आ गई, ये भी फेल हो गए हैं, देख रहे हो। इनके भी रिजल्ट को देख सकते हो, इनका भी रिजल्ट देख लीजिएगा, इन्होंने 50 नंबर का पेपर दिया, इनके 4 नंबर आए हैं। तो ऐसी हालत है, बहुत सारे बच्चे जो हैं इस एग्ज़ाम में फेल हो जा रहे हैं, उनकी बैक आ जा रही है, ठीक है। के भी रिजल्ट को आप देख सकते हैं, हिस्ट्री ऑनर्स के स्टूडेंट हैं आप, इनका देख सकते हैं कितने विषय में, देखो BEGG 172 100 में से 6 नंबर है इसमें फेल हैं, इसमें बैक है, फेल हो गए हैं। BEVAE 181 50 में से 15 नंबर है इसमें फेल है, क्योंकि 18 नंबर पासिंग मार्क है। BAVA 181 जितने भी स्टूडेंट फेल हो गए हैं इनको बताऊंगा, इनको क्या करना चाहिए और ये क्या कर सकते हैं, ये कब अगला एग्ज़ाम दे सकते हैं, इनके बारे में हम लोग विशेष चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देख सकते हो इन्होंने 100 नंबर का पेपर दिया, 18 नंबर आए, तो लगभग ये 3 पेपर में इनके क्या टोटल कितने 3 एग्ज़ाम में क्या टोटल इनके कितने रिजल्ट आए हैं, टोटल 6 हैं, और 6 में से 3 पेपर में इनकी बैक आ गई। तो आप देख रहे हैं बहुत सारे बच्चों की बैक आ रही है, बैक आ रही है बच्चों की। तो उनको देखो, सबसे पहले मैं एक बात बताता हूँ, देखो अगर किसी स्टूडेंट की BEVAE ये सब्जेक्ट कोड है, अगर इसमें बैक आती है तो आप रीचेकिंग के लिए, यानी इग्नू में इसको रिवैल्यूएशन बोलते हैं, यानी आप रिवैल्यूएशन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जिस भी स्टूडेंट की BEVAE 181 का जिस भी स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया है और जिस भी स्टूडेंट का 18 नंबर से कम है, 17 नंबर है, 16 नंबर है, 15, 14, 13, 12, 11, यानी एक से लेकर के यानी मान लीजिए 0 से लेकर के अगर आपके 17 नंबर तक हैं BEVAE 181 में, तो आप फेल हैं और आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और इग्नू के जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर में, 2 दिसंबर से एग्ज़ाम कंडक्ट होने जा रहा है। तो आप सभी लोग फॉर्म भर के आप सभी लोग क्या कर सकते हैं, दिसंबर में एग्ज़ाम दे सकते हैं। बाकी और जैसे हम इनकी बात करें BEGG 172, इसमें भी देखो इनकी बैक आ गई है। तो देखो अन्य सब्जेक्ट में जैसे बात करूँ, जैसे BEVA 181 अगर आपकी बैक आती है तो आपको दोबारा एग्ज़ाम ही देना पड़ेगा, आप कॉपी को किसी भी तरह से चेक नहीं करवा सकते, पहली बात रही। बाकी अदर्स स्टूडेंट जैसे इनके देख सकते हैं BEG 172 में 6 नंबर आया है, दूसरा भी देख सकते हैं BHIC 103 में इनको 18 नंबर है 100 में से, तो इसमें जो बैक आ गई इसमें भी आपको एक काम करना पड़ेगा कि आप या तो रिवैल्यूएशन के अप्लाई कर सकते हैं एक कात हुए, या आप 200 रुपये का एग्ज़ाम फॉर्म भर के दिसंबर में एग्ज़ाम दे सकते हैं। जिस भी स्टूडेंट का क्या कर रहा हूँ, जिस भी स्टूडेंट का दिसंबर जिसने भी स्टूडेंट ने जून 2022 में एग्ज़ाम दिया है वो सभी क्या कर सकते हैं, दिसंबर 2022 में एग्ज़ाम दे सकते हैं, अगर उनकी किसी सब्जेक्ट में बैक आ गई या किसी सब्जेक्ट में वो फेल हो गए हैं, ठीक है।
ठीक है। तो आप लोग जितने भी सब्जेक्ट में आपकी बैक आई है या आप सभी लोग जितने भी सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं, उन सभी सब्जेक्ट का जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर में आप दे सकते हैं। 2 दिसंबर से पेपर शुरू है, उसकी टेंटेटिव डेट्स आ चुकी है और जो आपका एग्ज़ाम फॉर्म होगा, ठीक है, इग्नू का जो एग्ज़ाम फॉर्म होगा वो नवंबर के महीने में आ जाएगा, ठीक है, लास्ट अक्टूबर या नवंबर तक आ जाएगा, ठीक है। तो आप उसमें क्या कीजिएगा, अपना एग्ज़ाम फॉर्म भर देना और 2 दिसंबर से जो पेपर है आप सभी लोग अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन अगर आप अपना एग्ज़ाम नहीं देना चाहते, अगर आपको लगता कि आपको जानबूझ करके फेल कर दिया गया है या आपके बहुत ही ज़्यादा मार्क्स आ सकते हैं, तो आप सभी लोग रिवैल्यूएशन के लिए इग्नू में रिवैल्यूएशन यानी आपकी जो आंसर शीट है उसको दोबारा चेक करवा सकते हो, फोटो कॉपी मंगवा सकते हैं, दोबारा चेक करवा सकते हैं। अगर आप लोग उसमें पास हो सकते हैं तो आपको दोबारा पेपर देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं आपसे एक भी बात कहूँगा कि अगर आपकी बैक आ गई है, देखो सिंपल बात है, रिवैल्यूएशन में बहुत ज़्यादा पैसा लगता, 750 रुपये रिवैल्यूएशन का, 100 रुपये फोटो कॉपी आंसर शीट का लगेगा। इससे अच्छा होगा भाई मेरे, एक काम करना, 200 रुपये भर देना और एग्ज़ाम दे देना। ये मैं मेरी तरफ से ही कहना रहेगा जिस भी स्टूडेंट के, जैसे 50 में से 18 पासिंग मार्क है बैचलर डिग्री में और मास्टर डिग्री में तो 20 है, और 100 में से अगर देखोगे तो 35 नंबर बैचलर डिग्री है और मास्टर डिग्री में 100 में से 40 नंबर लाना है। तो अगर आप फेल हो जाते हैं, अगर आपकी बैक है, तो सिंपल सा एक काम कीजिएगा, आपका एग्ज़ाम फॉर्म आएगा नवंबर के महीने में आ जाएगा तो उसको भर देना, 2 दिसंबर से पेपर है, आप उसमें एग्ज़ाम दे देना, ठीक है। और एक बात और है कि बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते रहते हैं कि जो जिनकी बैक आती है उनके लिए कोई स्पेशल या अलग से फॉर्म नहीं निकलता है, जैसे नॉर्मल बच्चे फॉर्म भरते हैं वही एग्ज़ाम फॉर्म आपके लिए भी रहेगा। फीस भी उतनी, 200 रुपये पर पेपर फीस लगेगी, एग्ज़ाम फॉर्म भर देना 200 रुपये। जितने भी सब्जेक्ट में बैक है, क्या कह रहा हूँ, जितने भी सब्जेक्ट में आपकी बैक है उन सभी सब्जेक्ट का आप क्या कर देना, फॉर्म अप्लाई कर देना और आप दिसंबर में पेपर दे सकते हैं, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट की बैक है वो सिंपल से एक काम करें, अपना एग्ज़ाम फॉर्म भर देना, जब आएगा नवंबर के महीने में आ जाएगा, बता रहा हूँ लास्ट अक्टूबर नवंबर तक आ जाएगा और दिसंबर में पेपर होगा, तो आप सभी लोग दिसंबर में पेपर दे सकते हैं। और जितने भी स्टूडेंट को लगता है मैं बहुत अच्छा लिख करके आया हूँ और मैं फेल नहीं हो सकता हूँ या किसी कारणवश गलती से ऐसा हो गया है, तो आप सभी लोग रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं फोटो कॉपी आंसर शीट। रिवैल्यूएशन का मतलब होता है जैसे भाई किसी ने पेपर दिया फेल हो गया तो दोबारा कॉपी चेक करवा सकता है, लेकिन उसमें 750 रुपये तो रिवैल्यूएशन का यानी रीचेकिंग का, और 100 रुपये अगर अप्लाई करोगे तो फोटो कॉपी मिलेगी, तो 850 लग जाएगा, थोड़ा महंगा पड़ता है। लेकिन आप अगर उससे बचना चाहते हैं तो जितने भी लोग फेल हैं वो सीधा एग्जाम दे दीजिएगा। तो आपके पास है जितने भी सब्जेक्ट में आप लोग फेल हैं, अगर कोई बच्चा एक सब्जेक्ट फेल है तो एक सब्जेक्ट का एग्जाम फॉर्म भर देना, 2 में फेल हो तो 2 सब्जेक्ट का, और एग्जाम फॉर्म जितने बच्चों की बैक आती है उनका कैसा भरा जाएगा उसके लिए भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो आप किसी भी स्टूडेंट की अगर किसी सब्जेक्ट में बैक आई है, तो अगर वो बीएजी की स्टूडेंट है, अगर आप हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, हिंदी है, सोशियोलॉजी है, इस टाइप के अगर सब्जेक्ट हैं, अगर किसी सब्जेक्ट में बैक है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपकी प्रिपरेशन भी करवा दूंगा, ठीक है। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को कांटेक्ट करना है तो आप मेरी मेल आईडी पर जाकर के कांटेक्ट करते हैं, रजनीकांत रोहतक, वहां पर आप सीधा डायरेक्ट मेल कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी पूछना, अगर किसी सब्जेक्ट में बैक आ गई है, जैसे पॉलिटिकल है, हिस्ट्री है, सोशियोलॉजी, जितने भी बीए हैं, अगर उसमें आ जाती है आपकी, तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी प्रिपरेशन करवा दूंगा, या आपको कैसे उस क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट करना है और कैसे पास करना है मैं सारी चीज़ें आपको बता दूंगा और आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगा। अगर कोई स्टूडेंट कॉन्टैक्ट करना चाहता बिल्कुल आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में एक बात बोलूँगा, अगर जिस भी बच्चे की बैक आती है 200 रुपये का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, दिसंबर में पेपर होने जा रहा है और आप सभी लोग दिसंबर में अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जितने बच्चों की बैक है प्लीज़ मेरे से एक बार कॉन्टैक्ट जरूर करना, मैं आपको बता दूंगा कौन आपने कौन सी गलती की थी और गलती आपको नहीं करनी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।